बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वाजिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहम्मद IET। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि रमजान में पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा चीजों के जो प्राइसेस होते हैं वो उरूज को पहुंच जाते हैं, तो फिर आम पाकिस्तानी के बस में नहीं आ रहा कि वो डेली रूटीन चलाए। तो आपके लिए आज बहुत बेहतरीन कुकिंग ऑयल लेके आया हूँ और बहुत मुनासिब कीमत में, अच्छी क्वालिटी का है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट की जाती है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यही वीडियो तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसके भी पैसे बच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कौन सा कुकिंग ऑयल लेके आया हूँ सब कुछ बताने वाले हूँ, बस आपने वीडियो में साथ देना है। तो सबसे पहले इस पैक की फिनिशिंग चेक करते हैं कि आया इसकी कोई फिनिशिंग है और क्वालिटी है पैकिंग की या नहीं, जो कि ओरिजिनल की एक पहचान होती है। तो दोस्तों चेक करते जाएं, हर एक साइड से आप नोट करते जाएं कि ये पैकिंग की कोई फिनिशिंग है या नहीं है। तो लास्ट साइड भी बता रहा हूं, ये देखिएगा दोस्तों। अब चेक करते हैं कि कंपनी ने इसके ऊपर जरूरी मालूमात क्या मेंशन किए हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे टॉप पर यहां देखिएगा, इसका नाम है इस कुकिंग ऑयल का आजाद, और नीचे लिखते हैं कुकिंग ऑयल। तो ये हो गया आजाद कुकिंग ऑयल, और साथ साथ में देखिए प्राइस बिल्कुल कंप्यूटराइज प्राइस लिखा है। बिल्कुल लेफ्ट साइड पर अगर आप देखेंगे तो ब्लैक टाइप में इसकी प्राइस लिखी गई है। जो प्राइस लिखी गई है ये है 3225 रुपए, 3225 रुपए। अभी आप लोग हैरान होंगे, वाइज भाई डालडा, मीजान, इसके अलावा सुप्रीम, तो इनकी भी प्राइस तो ऐसी ही है। भाई मुझे भी पता है, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट ये आपको बहुत बेहतरीन कीमत में मिलने वाला है, वो भी 2400 रुपए से लेकर 2500 रुपए में आपको मिलने वाला है। तो आप पूछेंगे कि वाइज भाई कहां मिलने वाला है। दोस्तों आप जरा आंखें खोले, दिमाग खोले, जरा शहर की तरफ चक्कर लगाए, जितने भी बड़े बड़े मार्केट से सुपर, उसमें जाइएगा, देखिएगा, खुद ऑब्जर्वेशन कीजिएगा। बार बार मैं बता रहा हूं कि मेट्रो जाइएगा, इसके अलावा इम्तियाज जाइएगा, इसके अलावा बहुत सारे मार्केट है, आप चेक करके वहां जा सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन कीमत में आपको मिलने वाला है, वो भी 2500 रुपए के बीच में आपको मिलने वाला है। अब जरूरी मालूमात और भी चेक कर दे कि इसके ऊपर क्या मालूमात कंपनी ने मेंशन किए हैं। यह देखे SPF डबल रिफाइन, तो कहने का मकसद यह है कि इसको डबल रिफाइन किया गया है, साफ किया गया है। और इसके नीचे मजीद लिखते हैं पाम ओलिन। दोस्तों मजीद तो कोई मालूमात नहीं है कंपनी के अलावा। चलो कंपनी का एड्रेस भी बताता हूं कि ये कौन सी कंपनी है प्रोडक्ट और इतनी अच्छी क्वालिटी में और साथ साथ में अच्छी प्राइस में बना रही है। तो नोट करते जाइएगा, MMG मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पोर्ट कासम में है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बना रही है। देखिए दोस्तों, अगर मार्केट में हमारे कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमें भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर इमरान खान अच्छा काम कर रहा है तो हम सपोर्ट करते हैं, गलत काम करेगा हम रोकेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने भी जो गलत घी बेच रहे हैं, जिसकी क्वालिटी बिल्कुल खराब, हमारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, उसको हम नहीं खरीदेंगे। दोस्तों अगर इस साइड के ऊपर हम देखेंगे, यहाँ पर भी लिखा है आजाद कुकिंग ऑयल, और मजीद भी वही बातें बताई गई है। मैं आपके साथ सर्टिफिकेशन के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन से सर्टिफिकेशन इसको हासिल हो चुके हैं। ये बता रहे हैं कि इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन डी का इस्तेमाल किया गया है, और इसके अलावा ये बात 100% कन्फर्म है कि फैट इसमें नहीं है। मजीद बता रहे हैं कि हलाल से भी सर्टिफाइड है, तमाम मुसलमान उम्मत के तमाम मुसलमान इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये ISO से भी सर्टिफाइड है, चाहे ISO 9001 है, 14001 है या 22001 है, सबके सबसे सर्टिफाइड है। और इसके अलावा ये PSA भी सर्टिफाइड है, तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है तो इस वजह से ये PSA भी सर्टिफाइड है। तो मजीद कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आइए इस डब्बे को अनबॉक्स करते हैं और चेक करते हैं कि हमें किस तरह के कुकिंग ऑयल मिलने वाले हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको अनबॉक्स करते हैं, यहां से टेप हटाते हैं और साथ साथ में यहां से टेप हटाते हैं, बल्कि यहां से तो पहले हटा है, और इसके अलावा अब यहां से टेप हटा रहे हैं। ख्याल करेंगे कि जो पॉली बैग है वो हमसे ना लगे। तो ये देखिएगा यार, काफी अच्छा लगा। देखिए
पैकिंग के साथ साथ तेली का भी इस्तेमाल किया गया है। देखिए ये अच्छे लोगों की निशानी है कि वो प्रोटेक्शन के ऊपर काफी ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। ये देखिएगा तेली चढ़ाई गई है, ये देखे जबरदस्त। आई अप्रिशिएट यू एमएम घी मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें चेक करते हैं कि हमें कितने पैक मिलते हैं। सबसे पहले पैक की जरा फिनिशिंग देखते हैं कि ऑयल किस टाइप का आ रहे हैं। हमें भी हक है कि हम पैसे दे रहे हैं, हम इसको चेक करें कि तसल्ली बख्श है या नहीं है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होती है दोस्तों। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, अपने आंखों से देखेंगे कि आया इसमें कोई खराबी तो नहीं है। अगर हम लाइट के सामने इसको देखेंगे तो दोस्तों याद रखिएगा रमजान है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, इसमें हमें कोई खराबी दिखाई नहीं दे रही। दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन बॉक्स के ऊपर थे वही के वही सेम इन्फॉर्मेशन इस पॉली बैग पर भी मौजूद है, जो कि काफी अच्छा लगा मुझे। ये आप देख सकते हैं और पैकिंग भी देख सकते हैं, काफी ज्यादा ख्याल रखा गया है, चारों साइड से बहुत ख्याल रखा गया है पैकिंग। और मजीद आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर सारे इन्फॉर्मेशन है, एक्सपायरी डेट तक बताया गया है, 1 लीटर तक बताया गया है कि ये 1 लीटर है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, देखे काफी बेहतरीन पैकिंग है। हम इसको यहां रखते हैं, ये हमारे पास हो गया 1 पैक, 4 पैक और मिलने वाले हैं। ये हो गए दूसरा पैक और इसके बाद ये हो गया दोस्तों तीसरा पैक और 2 और मिलने वाले हैं। हम चेक करते हैं कि हमें एक और मिलता है या नहीं। तो ये हो गए दोस्तों 4 पैक हो गए, 1, 2, 3, 4 और इसके अलावा एक और पैक मिलने वाला है। अब हो जाएंगे दोस्तों 5। तो देखिएगा दोस्तों ये 5 पैक हमें मिले हैं, 1 पॉलीबैग, 2 पॉलीबैग, 3 पॉलीबैग, 4 पॉलीबैग और ये हो गए 5 पॉलीबैग। दोस्तों शुरू में मैंने बताया कि आप लोग इम्तियाज सुपरमार्केट जाइएगा, अपने आंखों से ऑब्जर्वेशन कीजिएगा और देखिएगा कि ये चीज हमें कितने में मिलने वाला है। दोस्तों याद रखे ये आपको 2500 रुपए के करीब मिलने वाला है। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के बरकत हो गया या इसके अलावा बहुत सारे घी मिलते हैं, कुकिंग ऑयल मिलते हैं, उस पर भी जरा नजर दौड़ाइएगा, एक बार इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको पता चला कि वैल्यू फॉर मनी नहीं है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं और पाकिस्तानियों को मना करूं और कंपनी को ये बात बताऊं देखे आपके इस प्रोडक्ट में ये मसला है, ताकि ये कंपनी अच्छी हो जाए या लोग उसको परचेस करना बंद करें। और आप लोग मुझे ये बात बताइएगा दोस्तों कि आप लोग कौन सा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं और कहां से उठाते हैं, और साथ साथ में जरूर प्राइस मेंशन कीजिएगा कमेंट में। तो अगर आप लोग इसको दराज से मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं अमेजोन से मंगवाऊं तो मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर आप जाके इजीली और अच्छी क्वालिटी में मुनासिब प्राइस पर आप वहां से कुकिंग ऑयल और घी खरीद सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरी तरह मोशरे में पॉजिटिविटी को सपोर्ट करेंगे, अपने सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।